बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोग को एक मौलिक अधिकार का चैप्टर बताने वाला हूँ। मौलिक अधिकार जो अपन लोग पहले ही सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग ने इस तरह से नहीं पढ़ा था कि जो अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। हालांकि ये अपने MPPSC 2020 के सिलेबस में भी है, हर जगह पूछा जाता है, चाहे पुलिस, MPSI, व्यापम, SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकार के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके पहले मैंने कुछ और वीडियो आपको मैंने डाल दिए थे, संविधान बारे में डाल दिया था, संविधान के बारे में, संविधान सभा, संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब वीडियो मैंने बना दिए हैं जो आपके MPPSC 2020 के सिलेबस में, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन लोग आज नागरिकों के मौलिक अधिकार की। ठीक है, तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 3 में क्वेश्चन कई बार यही पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, तो संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या ब्रिटेन से आया है जो मजदूरों को अधिकार दिया। देखिए, जो ये मौलिक अधिकार है ना, इसका जो जन्म है वो मैग्ना कार्टा वर्ड से हुआ है। मैग्ना कार्टा वर्ड ये ब्रिटेन का एक वर्ड है जिसको बोला जाता है मजदूरों को अधिकार दिया गया था इसके तहत, मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये आपके मजदूरों के अधिकार हैं, तो मैग्ना कार्टा से ही बना क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि मजदूरों को अधिकार दिलाए जाने के लिए जो एक ब्रिटेन में शब्द बना था मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा से ही क्या बना आपका नागरिकों का मौलिक अधिकार के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है भाग 3 पे था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में भारत की संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैग्ना कार्टा वर्ड बहुत कम मिलता है, बहुत कम बुकों में, लेकिन ये अच्छी जगह से मुझे मिला है सोर्स से, मेरे सर द्वारा, तो आप लोग भी जानिए इसको। कुल 7 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 7 मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा लास्ट वाला एक, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, इसे 300A में कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब केवल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं, 6 मौलिक अधिकार। देखिए, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, अब बचे कितने हैं, 6। ये 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था भारत में, उस 44वें संविधान संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब केवल कितने अधिकार हैं, 6 ही अधिकार बचे हुए हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं, और उनका देखिए एक क्रम से आपको याद करना है, क्योंकि उसी क्रम से अगर आप याद करेंगे तो ये जीवन में आपको भूलने नहीं वाला है। सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता अधिकार जो बात हुई है वो 14 से लेकर के कहाँ तक हुई है, 18 तक हुई है। ध्यान रखिए, कहाँ से, 14 से लेकर के 18 तक। दूसरी चीज, तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक इसका जिक्र है। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में याद करना, 14 से 18, 19 से 22। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक इसका जिक्र किया गया है। सांस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो 29 और 30 में उसका जिक्र किया गया है। कितने में, 29 में और 30 में जिक्र किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका प्रयोग किस में, उसका कहाँ किया गया है, 32 में। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 29 से 30 आपने 29 से 30 बताया, ठीक है, और उसके बाद आपने सर 32 बताया, तो 31 आपने नहीं बताया। तो 31 वही संविधान संशोधन में, जो 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, वो 31 में ही वर्णित था। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग आगे की तरफ, थोड़ा सा और जानकारी इसमें ध्यान रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा याद करने का, इसी तरह से क्रम में याद करना है, स्वतंत्रता का अधिकार को 14 से 18, ठीक है, समानता का अधिकार को, सॉरी, स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से,
28 सांस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में। चलिए इसके थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं समानता के अधिकार में। समानता का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 लगातार तीन चीज़ें थी। अब क्या था इसमें, विधि और कानून के समक्ष जो हैं सभी क्या हैं, समान हैं। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का आदमी हो वो सभी समान हैं, ठीक है। लोक नियोजन के अवसर की समानता है, मतलब सरकारी नौकरी में समानता है। लेकिन इसमें कई बार अपील हो चुकी है, जो आरक्षण के में दिए जाते हैं जॉब वगैरह, तो उसमें कई बार अपील हो चुकी हैं। 16वें संविधान संशोधन में क्या है, लोक नियोजन के अवसर में समानता। अस्पृश्यता का अंत करना है, ये किसमें है, 17 में है। और उपाधियों का अंत किसमें करना है, ये 18 में है। तो ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में है, लोक नियोजन जो है उसका जो जिक्र है वो 16 में है, धर्म जाति और लिंग जन्म स्थान आदि इसका जिक्र कहाँ है, 15वें अनुच्छेद में। और 14वें अनुच्छेद में क्या है, विधि कानून के समक्ष समानता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूं ना, बहुत सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरे 10 लाइन का, 4 लाइन का अगर आप याद करेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्लू बना के मैंने अपनी नोट्स से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग को ये जानकारी शॉर्ट एंड स्वीट आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया भैया समानता का अधिकार। अब आते हैं अपन लोग स्वतंत्रता के अधिकार पे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 अनुच्छेद से 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णित किया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, आजीविका रोजगार कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो इसको देखिए, कई बार स्वतंत्रता अधिकार पूछा जाता है कि भैया ये बताइए 19 के 3 में क्या है, क्या पूछा जाता है, 19 अनुच्छेद के 3 में किसका जिक्र किया गया है। तो हर चीज को आप लोग को क्या है, ध्यान से अच्छे से याद करना पड़ेगा। मैं इसकी एक कहानी बताता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, कैसे बोलने की स्वतंत्रता है भैया, शांतिपूर्ण बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण बोलेगा तो वो सभा बना ले, समूह बना ले, और समूह बना के शांतिपूर्ण बोले, ठीक है। अगर वो आवागमन भारत में कहीं करता है, कहीं पे भी निवास करता है, तो उसको आजीविका रोजगार की क्या है, स्वतंत्रता है। इस प्रकार से आप एक कहानी बना लें, ठीक है, और कहानी बना के आप क्या करें, एक याद करें, तो ये आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो भारत में पहली बात बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, सभा मीटिंग बना सकते हैं, अगर मीटिंग बना सकते हैं तो भारत में आ जा भी सकते हैं, और निवास कर सकते हैं भारत में कहीं भी, इसकी भी स्वतंत्रता है, और आजीविका रोजगार की भी क्या है, आपको स्वतंत्रता है। अपवाद ये केवल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, लेकिन अब क्या है, धारा 370 हट गई है, तो वहाँ भी लागू होगा। इसका संविधान संशोधन अभी आया नहीं, आ जाएगा तो ये निश्चित तौर पर वहाँ भी लागू होगा। चलिए अब क्या है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता है भैया इसमें, अपराध के दोषी सिद्धि, मतलब अपराध के लिए है, उसको उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। मतलब देखिए क्या है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2015 में मर्डर करता है, ठीक है, अगर 2015 के में मर्डर करता है, और उसका जैसे उसने मर्डर किया तो किसी ने कानून बना दिया 2016 में कि पहले था मर्डर वाले को 14 साल तक जेल, और फिर बना दिया गया कि पूरा मतलब आजीवन कारावास, मतलब जब तक जिंदा रहेगा तब तक कारावास। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 2016 में बन गया कानून, लेकिन उसने तो क्राइम कब किया था, 2015 में किया था ना, तो 2015 के हिसाब से ही उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये अनुच्छेद 20 कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार कहता है ये, ठीक है। खुद के लिए गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसको खुद की गवाही के लिए मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा, जैसे पुलिस उसको टॉर्चर करे, मारे पीटे, तो इस तरह से उसको कभी भी गवाही के लिए क्या किया जाएगा, मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक ही अपराध के लिए कितने बार सजा दी जाएगी, एक ही बार उसको सजा दी जाएगी। प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा,
अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक की बात की गई है, मतलब जीवन का अधिकार भी कहा जाता है इसको। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जीवन का अधिकार किसे कहा जाता है, तो भैया कहा जाता है अनुच्छेद 21 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जीवन से रिलेटेड बात की गई है, जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध हवा में जीना, इसलिए इसको क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है 21A। 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें ये था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाए और फ्री शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 21। ध्यान रखना ये है अपन को कि 21 तो आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 20 में हो गया अपराध की दोष सिद्धि, ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक है। और ये है आपका 21A, इसमें क्या है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, और इसमें ये जोड़ा गया था 21A में, कई बार परीक्षा में आया भी है देवी सज्जनों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये था इसमें अनुच्छेद 21A, और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार का सबसे लास्ट अनुच्छेद है 19 से 22। तो 19 में 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो वो पूछ सकता है कि भैया क्या कारण है कि आप मुझे क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या चीज़, कारण पूछने का अधिकार है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना पड़ेगा, उपस्थित करना पड़ेगा। इसमें आवागमन का जो समय है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आने जाने में ही उसको 3-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं, तो उसको नहीं गिना जाएगा, और उसके अलावा 24 घंटे को गिना जाएगा। किसी भी अपराधी को पकड़ें तो उसको 24 घंटे के अंदर किसके सामने प्रस्तुत करें, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। और उसको मनपसंद कानून या वकील करने का उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसको किसका मनपसंद, जैसे मान लीजिए उसको कोई अच्छा वकील करना है तो उसको अधिकार यह दिया गया है कि वो अच्छा वकील कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 22A, 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 22A,
सम्मुख उपस्थित कराना और 22(3) में है मनपसंद कानून या वकील का अधिकार प्राप्त होना। आते हैं अपन लोग तीसरे आपके मौलिक अधिकार पे, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में, दो ही हैं। एक मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, जिसके बात की थी कि 14 से 18, 19 से 22 की गई स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके बाद मैं अब बात कर रहा हूँ 23 और 24 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, ठीक है। तो 23 में क्या है, मानव व्यापार बाल श्रम बधुआ मजदूरी पर टोटली रोक लगाई गई है। मानव व्यापार मतलब जैसे लोगों को बेच देना पहले होता था ना, कि लोगों को बेच देते थे, बालक श्रम करवाते थे, किसी बच्चे को अपने घर में रख के काम करवाते थे, और ये बधुआ मजदूरी मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने घर का बधुआ बना लेते थे, उसको कई सालों तक उससे काम कराते रहते थे। तो ये जो प्रथा थी ये पूरी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है अनुच्छेद 23 के तहत। फिर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 से कम उम्र के बालक काम नहीं कर सकते। मतलब बाल श्रम वही है, किसी बच्चे का मतलब किसी बच्चे से किसी भी दुकान में काम नहीं करवा सकते, वो 14 उम्र से क्या है अगर कम है तो, ठीक है। वैसे तो 18 तक नहीं करा सकते, लेकिन 18 तक में ये है कि जो 14 से 18 के बीच का बालक है वो अपने पिता के साथ अपने मतलब उनकी हेल्प करा सकता है, लेकिन 14 से कम वाला नहीं करा सकता। आते हैं अपन लोग धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है भैया, इसमें चार हैं, 25 से लेकर के कहाँ तक, 28 तक। देखिए याद करने का तरीका क्या है, पहला तो मैंने आपको बताया क्या, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भैया 14 से लेकर हो गया, पूरा कंटिन्यू याद करना, 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद फिर भैया आ गया स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक था। फिर 23 और 24 के लिए था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। अब आ गई है बात भैया धार्मिक स्वतंत्रता की, तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात है 25 से लेकर कहाँ तक है, 28 तक है। एक एक पर्टिकुलर याद करते चलें, क्या है अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में है धर्म को मानना आचरण प्रसार उसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी धर्म को अगर वो व्यक्ति मानता है तो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके आचरण को मान सकता है, कि जो उसमें कहा जा रहा है उसको मानने का पूरा अधिकार भारतीय संविधान देता है। अनुच्छेद 26
धार्मिक प्रबंधन करना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी सभा वगैरह बनानी है, कुछ पैसे वगैरह लगाने हैं, तो इसका पूरा स्वतंत्र किया गया है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप पैसा दान करना चाहते हैं किसी भी धर्म के लिए, तो आपको अनुच्छेद जो है मतलब अनुच्छेद 27 इसकी पूरी मतलब इजाज़त देता है। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा उपासना उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। तो ये क्रम से है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसी भी धर्म को आप मानिए, फिर उसको प्रबंधन कीजिए, उसको मैनेज कीजिए, उसमें पैसा लगाइए और उसकी शिक्षा को प्राप्त कीजिए और प्राप्त कराइए, उसकी उपासना कीजिए, उसको मतलब उसकी स्वतंत्रता आपको पूरी दी जाती है। तो इसे क्रम से याद कीजिएगा, 25, 26, 27, 28, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट संविधान आपका है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी संविधान, ठीक है, संबंधित। ये है इसका जिक्र किया, कहाँ किया गया है, 29 और 30 में, ठीक है। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है, जैसे जैन, पारसी, ऐसे जो धर्म हैं, बौद्ध जो कम हैं, तो उनकी जिक्र कहाँ किया गया, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में किसका जिक्र किया गया, शिक्षा संरक्षण का जिक्र किया गया, जो अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षा दी जाए, उनको संरक्षण किया जाए, उसकी जिक्र कहाँ किया गया है, 30 में किया गया। तो अनुच्छेद 29 और 30 में कुल मिला के आप याद रखिएगा, शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी बात की गई है और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अब बीच में आपका 29-30 के बाद 31 नहीं है, तो 31 अनुच्छेद जो है संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है। इसे किस बेस पे हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, और इसको अब ले जाके 300A में रख दिया गया है, ठीक है। आते हैं 6वें नंबर संविधान, उसमें मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है देवियों सज्जनों, तो अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एससी, कोई याचिका दायर कर सकता है कोई भी, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ा मामला है तो उसको क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या किया है, संविधान की आत्मा कहा है। देखिए दो क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक बोला जाता है संविधान का जो आत्मा है उसे कहा क्या, मतलब उसे क्या कहा गया है, उसको मतलब क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। किसको कहा गया है, प्रस्तावना को, मतलब ये क्वेश्चन आएगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप लिखेंगे भैया संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, संविधान का आपका क्या, संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है, प्रस्तावना को। और दूसरा आता है अनुच्छेद की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर कर सकते हैं, और इसको किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रिट एससी और एससी के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो रिट है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसका जो जिक्र है 32 अनुच्छेद में है, हाई कोर्ट के लिए है, और 226 में, सॉरी 32 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 में हाई कोर्ट के लिए है। कुल मिला के 5 प्रकार की रिट ये क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, मतलब जारी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और अनुच्छेद आपको 226 में हाई कोर्ट को है रिट जारी करने का अधिकार। तो पहला रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अपराधी को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसमें आवागमन का समय नहीं जुड़ेगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के अंदर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। फिर क्या है, परमादेश। इसमें क्या है, सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिया गया है, ये भी एक प्रकार की रिट है, दूसरी नंबर। फिर है प्रतिषेध,
ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह कार्य आपके कार्य क्षेत्र से बाहर, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रकरण, जैसे मान लीजिए आपको व्यापम की शिकायत करनी है, ठीक है, या व्यापम के खिलाफ याचिका दर्ज करनी है, तो आपको जिला न्यायालय में इसका रिट दायर नहीं करना है, इसको फिर आप कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में दायर करेंगे इसकी रिट। तो हाई कोर्ट आदेश देगा जिला न्यायालय को कि भैया आपके बस का काम नहीं है, आप ये हमारे पास केस भेजो। तो ऐसे केस को क्या कह देते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। फिर क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह मुकदमे को ऊपरी न्यायालय में भेज दें। उसमें क्या था, निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह कार्य आपके कार्यक्षेत्र से बाहर है, और इसमें बोलता है कि भैया उस कार्यक्षेत्र से अगर आपके बाहर है तो आप हमारे पास भेज दीजिए। ये एक प्रकार की रीति है। अधिकार परीक्षा लेख, इसका क्या होता है, अधिकार की योग्यता का परीक्षण करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी उस काबिल है कि नहीं, उसका परीक्षण कौन करता है, उसको क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा लेख कहते हैं। किसी भी अधिकार का, अधिकारी का क्या होता है, योग्यता का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 33 में, इसमें क्या है, संसद सेना सशस्त्र बल खुफिया विभाग के बारे में जानकारी कहां दी गई है, अनुच्छेद 33 में दी गई है। अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ के द्वारा मौलिक अधिकार को रोक देती है, मतलब मार्शल लॉ का लगा दिया तो वो मौलिक अधिकार को क्या कर देती है, रोक देती है। और 35 में क्या है, संसद को अधिकार मौलिक अधिकार बनाने का कानून है, मतलब मौलिक अधिकार जो है बनाने का जो है उसको कानून किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो 35 को ध्यान रखना है, इन तीनों में से या दो को आप ध्यान रखें, एक 35 को, एक 33 को। जितने भी सेना सशस्त्र बल खुफिया विभाग हैं ये किसके अंतर्गत, मतलब ये किसके अनुच्छेद में है, 33 में है, और 35 कहाँ है, संसद को अधिकार मौलिक अधिकार बनाने का कानून उसको दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 35 में है, ठीक है। अब अनुच्छेद थोड़ा सा हम ये कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की बात करेंगे, उसके बाद अपने वीडियो को हम समाप्त करेंगे। थोड़ा ये वीडियो बड़ा है, लेकिन मौलिक अधिकार टॉपिक भी तो बड़ा है ना। अनुच्छेद 352 में दिया गया है, अगर राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20-21 के अलावा समस्त मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे। देखिए, मौलिक अधिकार आपके हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लग जाता है, किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद 20 और 21 बस आपको मतलब प्राप्त रहेंगे, उसके अलावा जितने भी आपके कानून हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी को नहीं। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, ये ऐसे अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अनुच्छेद है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं वो केवल भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बाकी को आपको अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे, आप ये जानते हैं ना कि अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 32 तक, अनुच्छेद वैसे 35 तक, लेकिन अनुच्छेद 32 तक इसका जिक्र किया गया है। तो आपको क्या करना, 14 को छोड़िए, 15 16 ले लीजिए, फिर 19 ले लीजिए, फिर 29 ले लीजिए, फिर 30 ले लीजिए। ये जो हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। और इसके अलावा जो भी हैं बचे, जो ये बचे हैं नीचे साइड देख रहे हो अगर आप, कि 14 17 18 20 21 24, मतलब ये हैं 21 22 23, तो ये जो हैं आपके संविधान 24 25 26 27 28 32, ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आज इस मौलिक अधिकार की वीडियो हमने कई सारी चीज़ें देखी, इनको आप पढ़िए सुनिए समझिए और नोट्स जरूर बनाइए देवियों सज्जनों के, नोट्स का ही महत्व है। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, ये है कि अगर मेरे आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस 99 93 68 11 96 पर मुझे आप मैसेज कर दें और लिखें आप ज्वाइन ALI, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और ऐड कर दूंगा तो आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी और साथ में आपकी परीक्षा के लिए जो हेल्पफुल होगा। और इस जो वीडियो को देखा है इसमें कई सारे अच्छी चीज़ें हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।